सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्वाद ऑफिशियल चैनल को और इस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर बैठे। एक बिरयानी लो साथ में एक फ्री। मैं YouTube पे लगभग 115 से ज़्यादा वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन मैंने बिरयानी की वीडियो अभी तक नहीं करी। बहुत सारे लोगों ने बोला यार भाई बिरयानी की वीडियो भी बना लो, तो हमने आज आपके लिए लेके आए हैं बिरयानी की वीडियो। तो पहली वीडियो थी, कुछ तो स्पेशल करना ही था, तो हम एक ऐसी जगह पे आए हैं सबसे पहले तो जो 24 घंटे खुलती है। आपका रात को 2 बजे मन करे, सुबह 5 बजे करे, जब भी बिरयानी खाने का मन करे यहाँ से ऑर्डर कर लेना। तो मैंने सुना है यहाँ पे 28 तरीकों की बिरयानी है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, एक बिरयानी लो साथ में एक फ्री, मतलब एक के साथ एक बिरयानी मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो आइए हम आए हैं बिरयानी क्वीन पे एक्सप्लोर करने, इनकी वैरायटी ऑफ बिरयानी किस तरीके से बनती है, कैसी बिरयानी है। बिरयानी बोलते ही मुंह में पानी आता है। चलो आओ देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ऑलराइट, तो दरअसल जो बिरयानी क्वीन है वो एक क्लाउड किचन है और यहाँ से सिर्फ डिलीवरी होती है जी। तो हम इनके किचन के अंदर जाएंगे, देखेंगे किस तरीके से बिरयानी को बनाया जाता है, कितनी साफ़ सफाई रखी जाती है और क्या सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं जो कि इस कोविड के दौरान लेने चाहिए। तो आइए चलते हैं क्लाउड किचन के अंदर और देखते हैं बिरयानी की प्रिपरेशंस को। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं जी किस तरीके से वेजिटेबल बिरयानी को बनाया जाता है। तो यहाँ पे बिरयानी की सबसे खास बात यह है कि जितना वज़न लिखा हुआ है उतनी बिरयानी आपको पूरी मिलती है। तो ये हम 1 किलो हांडी की जो बिरयानी है वो ले रहे हैं। आप देखेंगे बिरयानी को वेइंग स्केल पे रखा है और जो वेइंग स्केल पे बिल्कुल ज़ीरो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो इसके अंदर जितने भी इंग्रीडियंट जाएंगे वो सारे मिला के 1 किलो के होंगे। और ये देखिए जी, इसके बाद जाएगा इसमें बहुत सारा देसी घी, तो देसी घी में कोई कंजूसी नहीं है यहाँ पे। जितना बोला जाता है उतना ही आपको मिलता है। 1 किलो बिरयानी अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं तो 1 किलो बिरयानी को वजन के हिसाब से ही यहाँ पे तोल के ऑर्डर भेजा जाता है। यहाँ पे अब तैयार हो रही है जी चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी के लिए इन्होंने ऑफकोर्स एक पैन लिया है और यहाँ पे लिया है जी चिकन। तो 1 किलो चिकन बिरयानी में 5 पीस जाते हैं और ये पहले देसी घी में टॉस किया जाता है। फ्रेश मैरिनेशन होता है मॉर्निंग में आते ही यहाँ पे। तो ये देखिए जी, चिकन बिरयानी को बनाने का भी प्रोसेस सेम है। वेइंग स्केल 0 है पहले, उसके ऊपर हांडी रखी गई है। अब उसके बाद एक एक करके इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे और टोटल जो वेट है वो 1 किलो होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसकी लेयरिंग की जाती है। इसकी थोड़ी सी और लेयरिंग की जाएगी ऊपर चावल से और आप देखेंगे जो इसका वज़न है वो 1 किलो के लगभग हो चुका है। भाई सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगी है कि जितना बाय वेट लिखा हुआ है उतना ही आपको यहाँ पे पोषण दिया जाता है। बिरयानी के ऊपर मैंगो पिकल जाएगा। अच्छा, चिकन बिरयानी के ऊपर मैंगो पिकल भी जाएगा, क्या बात है भाई, ये तो बिल्कुल अनोखी चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो शेफ़ क्या ये तैयार है, हम खा सकते हैं इसको? नहीं नहीं, अभी इनमें दम लगेगा ओवन में 15। अच्छा, अभी तो दम भी लगेगा, बिना दम के बिरयानी क्या। तो कितनी देर लगेगी इसको तैयार होने में? 10 से 15 मिनट तक हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर ऑरेंज या लाल रंग का आटे का इस्तेमाल करें तो मतलब एक तो ये भी होगा कि ये आटा आप इसलिए लगा रहे हो कि नॉन वेज और वेज में आपको डिफरेंस। तो वेज में आप ग्रीन लगाते हो क्या? हाँ, वेज में ग्रीन लगा। तो भाई वेज में लगता है ग्रीन आटा और नॉन वेज में लगता है थोड़ा सा ऑरेंजिश रेडिश कलर का आटा। इसको दम दिया जाता है और उसके बाद तैयार होती है हमारी चिकन बिरयानी। तो ये दम के लिए तैयार हो रही है जी बिरयानी। तो
तो ये देखिए जी, कन्फ्यूजन ना हो ना शेफ़ को ना आपको, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर का आटा लगाया जा रहा है। तो वो ये बताता है कि ये वेजिटेरियन बिरयानी है। तो जितनी भी वेजिटेरियन बिरयानी शेफ, आप सब में ग्रीन लगाते हैं, हाँ, और जो भी नॉन वेज है उसमें आप ऑरेंज कलर का या रेडिश कलर का जो भी आपका आटा है उसको लगाते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग अलग अवन है जी। एक ही अवन में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हांडी नहीं डाली जाती है, ये भी यहाँ का जो रूल है वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अब हमारे जाएगी जी नॉन वेज बिरयानी, यानी कि चिकन बिरयानी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों के लिए अलग सेपरेट अवन है। यहाँ पे हमारे लिए बनाए जा रहे हैं कटहल कबाब्स, जो कि बिल्कुल फ्रेश बनाए जाते हैं। तो जितना खाना फ्रेश बनाया जाएगा उतना तो टेस्टी होगा ही होगा, और उसका जो स्वाद है वो भी बहुत निखर के आता है। आप हमारे लिए क्या तैयार कर रहे हो यहाँ पे? चिकन टिक्का मसाला। हाँ जी, क्या बात है। तो यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको 1+1 बिरयानी नहीं चाहिए तो आप बिरयानी के साथ यहाँ पे चिकन बिरयानी के साथ कोई भी चिकन की करी ले सकते हैं, वो भी आपको फ्री मिलेगी। अगर आप वेजिटेरियन बिरयानी ले रहे हैं तो वेजिटेरियन के साथ अपनी मनपसंद की कोई भी वेजिटेरियन करी ले सकते हैं, वो भी आपको साथ में फ्री मिलेगी। तो भाई बड़ा ही टेम्पटिंग सा ऑफर है, तो इसलिए हमसे भी नहीं रुका गया, हम भी आ गए हैं यहाँ पे बिरयानी क्वीन में देखने के लिए कि किस तरीके से, कितनी साफ सफाई से यहाँ पे खाने को बनाया जा रहा है। तो बड़ी सारी जगह पे ऐसा होता है कि हम स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि शेफ थोड़ी ना ग्रेवी ज़्यादा कर देना। यहाँ देखो, ये हाफ चिकन टिक्का मसाला है, और लुक एट द मसाला अलॉन्ग विद द चिकन। मतलब यहाँ पे आपको शिकायत का कोई मौका मिलने ही नहीं वाला है भाई। इतनी ज़्यादा ग्रेवी है इसके अंदर कि मतलब आराम से पूर्ति हो सकती है 4 बंदों की इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुझे यहाँ पे लगभग आए हुए भी 1-1.5 घंटा हो चुका है, और तब से मैं देख रहा हूँ ये भाई को इसी तरीके से सैनिटाइजेशन कर रहा है, पूरे किचन की साफ सफाई का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। तो आई थिंक आज के दौर में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी किचन के लिए कि कितनी साफ़ सफाई से आपके खाने को बनाया जा रहा है और पकाया जा रहा है, और यहाँ पर उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है जी ये। तो इसलिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि किचन में जाके आपको दिखाएं कि किस तरीके से आपका जो खाना है वो तैयार किया जाता है। तैयार है जी आपकी बिरयानी? हाँ जी सर, तैयार है। तो अब अभी आप इसके ऊपर फॉइल लगाएंगे? हाँ जी। तो अभी पैकिंग पूरी हुई नहीं है जी, फॉइल लगेगा अभी आपकी बिरयानी के ऊपर। देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर पैकिंग की जा रही है, ताकि जो बिरयानी है वो दम में भी रहे और गर्म भी रहे। तो शेफ, ये कितनी देर तक ऐसी रहने वाली है गर्म एकदम? 2 से 4 घंटे। हाँ जी। तो 4 घंटे के लगभग आपकी बिरयानी इसी तरीके से रहेगी गर्म एकदम। अच्छा, इसके ऊपर स्टिकर लगाया जाता है जी कॉशन का, और इसके साथ लगाया जाएगा स्टिकर कौन सी बिरयानी आपने ऑर्डर किया उसका। तो कोई कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले आपने देखा आटा लगाया गया है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो कि वेज है या नॉन वेज है। उसके बाद यहाँ पे स्टिकर भी लगाया गया है, जिससे आपको पता चल जाएगी आपकी बिरयानी पर्सनलाइज कौन सी है। और ज़रा सोचिए, एक बिरयानी के साथ एक बिरयानी फ्री मिल रही है आपको यार। मतलब आई डोंट थिंक सो आपको इसके अलावा और कुछ चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो शेफ़ हैं यहाँ पे, उन्होंने भी हर चीज़ की एहतियात बरता हुआ है। ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लगाया हुआ है, कैप है, तो बहुत ही साफ़ सफाई से बनाया जा रहा है। उसके बाद अब हमारी जो बिरयानी है वो पैक होने वाली है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखने को मिली वो ये कि जो नॉन वेज बिरयानी है उस पर जो मार्क है या उस पर जो राइटिंग लिखी हुई है वो लाल रंग से लिखी हुई है, और उसके अंदर जाती है नॉन वेज बिरयानी। और जो वेज बिरयानी है उस पर जो मार्क है और जो राइटिंग है वो हरे से लिखी है। तरीके हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन का स्कोप ही नहीं इन्होंने छोड़ा। तो यहाँ पे ये है जी वेजिटेरियन के लिए, वहाँ पे है नॉन वेज के लिए। इसके साथ शेफ आप क्या क्या देते हैं बिरयानी के साथ? हम बिरयानी के साथ खीरे का रायता और मसाला ओनियन सर्व करते हैं, वेज हो या नॉन वेज हो। हाँ जी, लेकिन आपके पास एक चॉइस और है, अगर आपको कोई भी करी चाहिए चिकन बिरयानी के साथ तो आप वो ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको वेज बिरयानी के साथ कोई भी करी चाहिए वेजिटेरियन तो वो भी आप ले सकते हैं मुफ्त। तो आपको रायता तो मिलेगा ही, प्याज तो मिलेंगे ही, साथ में आपकी चॉइस की करी भी मिलेगी। तो ये देखिए जी, हम अपना ऑर्डर ले आए हैं, घर पे आ चुका हूँ मैं, और वैसे भी मेरे को तो नीचे बैठ के खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये एक एक करके निकालते हैं अपनी बिरयानी और जो करीज है, और खा के मज़े लेते हैं और देखते हैं कि कैसा है इनका स्वाद। तो
तो आइए जी सबसे पहले वेज बिरयानी को ही खोलते हैं। और अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है मुझे, तो ये जो आटा है जो दम के अंदर है हमें पहले इसको, तो ये देखिए जी बिरयानी कितनी बढ़िया लग रही है। सबसे पहले मैं वेज बिरयानी खोली है और ये देखिए सबसे अच्छी बात है जी अभी तक ये बहुत ज़्यादा गर्म है और जो बिरयानी खाने का मज़ा है जी वो गर्म ही आता है। तो बोलते बोलते मेरे मुंह बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है क्योंकि जो इसकी खुशबू है ना भाई टू गुड है, टू गुड। तो आओ पहले इसी को ही सर्व करते हैं। तो ये देखिए जी जो वेज बिरयानी है सबसे बढ़िया बात खिला खिला दाना है बिरयानी का और जो वेजिटेबल्स है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो रखी है इसके अंदर जैसे कि आपने देखा, और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो लेट्स हैव बिरयानी बाय इटसेल्फ। भाई बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, जो प्रिपरेशन आपने देखी जिस तरीके से इसको बनाया जाता है उस हिसाब से आई थिंक वर्थ है और स्वाद बहुत ही बढ़िया। आइए अब हम साथ ही साथ नॉनवेज बिरयानी भी खोल लेते हैं, चिकन बिरयानी हमने ऑर्डर की थी तो आइए अब हम चिकन बिरयानी को भी खोल के चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके की बनी है। ऑफकोर्स दम में है तो बहुत ज़्यादा अभी गर्म है और सबसे अच्छी चीज़ है जी इनकी मार्किंग जो डिफ़ाइन करती है कि वेज अलग है नॉन वेज अलग है, बाहर भी लिखा है पैकेट पे भी है। ये देखो जी जो चिकन बिरयानी है कितनी लाजवाब, अभी भी गर्म है ऑफकोर्स, और उसके ऊपर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है मैंगो पिकल है। तो आपको दिखाता हूँ कि ये लुक एट दैट, तो ये देखिए जी कितना खिला खिला दाना, कितना खिला खिला चावल है, और असल बिरयानी वही है जिसका जो दाना है वो खिला खिला हो। और क्या खुशबू आ रही है भाई खोलते ही। हमारी चिकन बिरयानी इसके साथ हमें मिलता है रायता और अनियन, तो साथ में आपको पता है क्यूकम्बर का रहता है। और बिरयानी या चावल को जो मज़ा है वो हाथ से खाने का ही है। चिकन देखिए कितना टेंडर है और इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा प्याज एंड वी विल हैव अ बाइट ऑफ दिस। जो इन्होंने ऊपर से आम का अचार डाला ना, जब हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे वो जब बिरयानी के अंदर जाएगा ना उसका स्वाद बहुत बढ़िया आ रहा है जी इस बिरयानी के अंदर। चिकन बहुत ही ज़्यादा टेंडर है, बहुत ही ज़्यादा जूसी है और मसालों में एकदम लटपट है, तो बहुत ही बढ़िया बिरयानी है। आई थिंक मैंने बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीके की बिरयानी खाई है, ये कुछ अलग है हटके है लेकिन स्वाद बहुत ही बढ़िया। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी बिरयानी आप ऑर्डर करें चिकन बिरयानी करें तो उसके साथ आपको 1+1 का ऑप्शन है, या उसके साथ बिरयानी के साथ आप कोई भी करी फ्री में ले सकते हैं। और अगर आप वेज बिरयानी करें तो इसके साथ भी 1+1 है, या आप कोई भी करी फ्री में ले सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जैसे भी मर्जी आप अपनी बिरयानी को खाना चाहें उसके साथ। यहाँ पे हमारे पास कटहल के कबाब भी हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। आई थिंक वेजिटेरियन के लिए तो ये एक ट्रीट है, और कटहल के कबाब बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। उसके साथ मैंने यहाँ पे आपने देखा था चिकन टिक्का मसाला भी है हमारे पास, तो इसको भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये कैसा है। आई थिंक ओवरऑल अगर हम ये खाने की और ये बिरयानी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है, और सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग है जी इनका ऑफ़र 1+1 ऑन बिरयानी। अगर बिरयानी के साथ कोई करी चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। क्या क्या ऑफ़र्स हैं इनके यहाँ पे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप कहीं पे भी ऑर्डर कर सकते हैं ये बिरयानी, और वर्थ इट है, टेक माय वर्ड वर्थ इट है। ट्राई ज़रूर करना और आपको बताना कि आपको इनकी बिरयानी कैसी लगी। एक ऐसा ऑफ़र है जो कि आप मना नहीं कर सकते, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ मेरे कहने पर एक बार बिरयानी को इनसे ऑर्डर ज़रूर करना और खा के ना मुझे बताना कि आपको इनकी बिरयानी कैसी लगी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे एक नए खाने की तलाश में।